नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो दोस्तों, वक्त हो गया दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। उससे पहले अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर जियो न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पीएनबी में यूबीआई ओबीसी तो इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक के विलय का ऐलान किया। इस विलय के बाद पीएनबी देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के विलय का भी ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशनल बैंक का भी विलय होगा। इसके अलावा इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक के विलय का भी ऐलान किया गया। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 5 दिन के हिरासत की मांग की। इस पर जज भड़क गए। जज ने कहा कि आपने पहले ही 15 दिनों की मांग क्यों नहीं की? आप चिदम्बरम से रोज कितनी देर सवाल करते हैं? कोर्ट के सवाल पर सीबीआई ने कहा कि हम रोजाना 8 से 10 घंटे पूछताछ करते हैं। इस पर जज ने कहा कि आप 10 घंटे पूछताछ करते हैं और मुझे केवल इतना कम पेपर दे रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदम्बरम की हिरासत 2 सितंबर तक सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि दूसरी बार रिमांड की अवधि बढ़ने से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। हिरासत के दौरान चिदम्बरम के कई मामले में पूछताछ हो रही है। इस मामले की विस्तृत जांच के लिए सीबीआई हर संभव कोशिशें कर रही है, लेकिन हिरासत मिलने से कई अहम मामलों की जानकारी मिल सकती है। बिहार में शराब के बाद अब गुटखा पान मसाला भी बैन हो गया है। बिहार की नीतीश सरकार ने पान मसाला को लेकर बड़ा फैसला किया है। शराबबंदी के बाद अब राज्य सरकार ने पान मसाला पर भी 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद नीतीश कुमार सरकार ने अब पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। शुरुआत में पान मसाला पर प्रतिबंध केवल 1 साल के लिए लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बिहार में बिकने वाले विभिन्न ब्रांड के पान मसाला की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। सड़कों पर रोके गए पाकिस्तानी तो गुस्से में बोले, मोदी को तो रोक नहीं पाते। पाकिस्तान सरकार द्वारा कश्मीरियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम कश्मीरी ओवर में पाकिस्तानी जनता को बेहद असुविधा का सामना करना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच कश्मीरी ओवर का आयोजन करवाया। इस दौरान ऑफिस अस्पताल बंद कर दिए गए। यही नहीं, विरोध प्रदर्शन के प्रोपेगेंडा को पूरा करने के लिए सरकार ने ट्रैफिक को भी रोक कर रखा, जिससे कड़ी धूप में लोगों को आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। कश्मीर पर कूटनीति मोर्चे पर नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नए हथगंडे अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने भी कश्मीरी ओवर को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर। वहीं ट्रैफिक में फंसा एक पाकिस्तानी गुस्से में कहता है कि लोगों को रोकने से क्या फायदा है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर से गुजर जाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में हुई G7 की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पाकिस्तानी एयर स्पेस से होकर गुजरे थे। इसके बाद इमरान खान के मंत्री ने भारत के लिए एयर स्पेस पूरी तरह बंद करने की धमकी दी थी। अयोध्या केस में सिया वक्फ बोर्ड ने किया हिंदू पक्ष का समर्थन। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई हुई। आज सुनवाई का 16वां दिन है। श्री राम जन्मभूमि पुनरुत्थान समिति के वकील पीएन मिश्रा ने शुक्रवार को अदालत में अपनी दलीलें पेश कर दी। उन्होंने अपनी दलीलें पूरी की और उसके बाद हिंदू महासभा के वकील हरिशंकर जैन ने अपनी बातें रखी। इस दौरान उनकी तरफ से कई ऐतिहासिक तथ्यों पर जिक्र किया गया। इस मामले की सुनवाई हफ्ते में 5 दिन चल रही है। अभी तक निर्मोही अखाड़ा रामलला के वकील अपनी दलीलें पूरी कर चुके हैं। क्रिकेट से संन्यास पर अंबती रायडू का यू टर्न, अब इस टीम से करेंगे वापसी। 33 साल के अंबती रायडू दोबारा खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने अनदेखी किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के 2 महीने के अंदर अंबती रायडू ने यू टर्न ले लिया है। 33 साल के रायडू दोबारा खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने आगामी घरेलू सीजन में हैदराबाद के लिए खेलने की इच्छा जताई है। उन्होंने विश्व कप 2019 के लिए अनदेखी किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। रायडू ने अपनी उपलब्धता के बारे में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को सूचित किया। अंबती रायडू ने HCA को लिखा, मैं रिटायरमेंट से वापसी करना चाहता हूं और क्रिकेट से सभी फॉर्मेट्स में खेलना चाहता हूं। द हिंदू में रायडू का भावुक पत्र छपा हुआ। झारखंड कैडर के IAS राजीव गोम्बा ने संभाला कैबिनेट सचिव का पदभार। राजीव गोम्बा ने शुक्रवार को कैबिनेट सचिव का पदभार संभाल लिया है। राजीव गोम्बा झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं। राजीव गोम्बा 2 साल तक कैबिनेट सचिव के पद पर रहेंगे। हरियाणा में कांग्रेस के लिए मुश्किल, हुड्डा की शर्तों से सोनिया का सिरदर्द बढ़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस हरियाणा में अपने नेतृत्व का संकट
तक नहीं सुलझा पा रही है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी से मुलाकात में अपनी जो शर्तें रखी थी उन्होंने कांग्रेस आला कमान का सिरदर्द और बढ़ा दिया है।